Today, we are going to discuss the first chapter concept of class 8a, which is rational numbers. We will discussing the concept only. First, what now, what are the rational numbers? Rational numbers, we have already read about natural numbers. If I say what, what, do, uh, what comes to your mind when I say counting, so it will be 1, 2, 3. four, five, fine, six, seven, eight. सो दीज आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स बट इसमें हमारे पास एक चीज मिसिंग है वो है जीरो फाइन सो अगर हम इसमें ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं देन इट विल बिकम होल नंबर्स अब इसमें हमारे पास और क्या मिसिंग है नेगेटिव नंबर्स हमारे पास temperature और डिफरेंट quantities नेगेटिव नंबर्स में भी आती हैं सो so, नेचुरल नंबर्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स एंड ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर्स उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टू बाय थ्री फोर बाय सेवन एट बाय नाइन दीज आर कॉल्ड द फ्रैक्शंस इन विच यू आर डिवाइडिंग द होल इंटू पार्ट सो वॉट इज फ्रैक्शन पार्ट By whole, that is fraction. But in life, we also came to know certain numbers like minus 2 by 3, minus 4 by 7, minus 8 by 9, which we are not including in the fraction. In fraction, we are taking only the positive part by whole but many a times we come across these kind of quantities also numbers also so where we are going to fit all these number in rational numbers so from natural number whole numbers integers fraction the next thing that comes into your syllabus is rational numbers so what are rational numbers rational numbers are the numbers in the form of p by q where p and q are integers एंड Q इज़ नॉन जीरो अब इसका मतलब क्या हुआ रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं दैट मीन्स एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं बट यहाँ पे जो हमारी फ्रैक्शन है वो उसमें वो नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल थ्री बाय फोर माइनस फाइव बाई इलेवन वन हंड्रेड एंड वन बाय माइनस टू बाई सेवन तो ये सारे के सारे नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में है पी एंड क्यू पी एंड क्यू तो P और Q क्या है इसमें इंटीजर्स हैं और Q जो है ये कभी भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती नो ठीक है सो Q जो है अगर डिनोमिनेटर ही हमारा जीरो हो गया तो जो नंबर है वो हमारी वैल्यू उसकी इन्फेनाइट हो जाएगी काउंटलेस हो जाएगी फाइन सो पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर होना चाहिए और उसका डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा सो so, वो होते हैं हमारे राशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स क्या होते हैं दो चीज़ें हैं एक तो होंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में फाइन और जो q है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और ये p और q क्या है इंटीजर्स फाइन सो so, ये ये चीज़ जो है दिस इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स सिंपल है हमारे रैशनल नंबर्स क्या है एक टाइप की फ्रैक्शंस ही हैं बट वो फ्रैक्शंस नेगेटिव भी हो सकती हैं फाइन नाउ नेक्स्ट थिंग इन दिस इज लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म मतलब अगर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है कॉमन फैक्टर वो वन है दैट मीन्स वन के अलावा वो दोनों किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते फॉर एग्जाम्पल फाइव बाई सेवन अब फाइव बाई सेवन जो है वो लोएस्ट फॉर्म है वी कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है दैट इज वन अब जो इनका एडिशन अपट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन है दैट इज सेम एज द कम्बिनेशन यू हैव ऑलरेडी रेड इन इंटीजर्स एज वेल एज इन द फ्रैक्शन फ्रैक्शन और इंटीजर्स के जो भी मैथड्स थे वो इसमें यूज़ होते हैं ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन फॉर एग्जाम्पल हम एडिशन का अगर केस लेते हैं सो so अगर हमारे पास इसमें दो केस होते हैं विद विद सेम डिनिनेटर एंड विद डिफरेंट अब सेम के के केस में क्या होगा लाइक फॉर एग्जाम्पल थ्री बाय फाइव प्लस थर्टीन बाई फाइव सो so, इसका एलसीयम फाइव ही आएगा सो इट विल बी थ्री प्लस थर्टीन थ्री प्लस थर्टीन इज सिक्सटीन बाई फाइव एक और एग्जाम्पल देखते हैं लाइक सेवन बाय नाइन प्लस माइनस ट्वेल्व बाय नाइन आपने इंटीजर में पढ़ा है प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस ट्वेल्व बाय नाइन सो इट विल बी नाइन सेवन माइनस ट्वेल्व फाइन सो सेवन बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू फाइव बाई नाइन तो फाइव बाई नाइन होगा नहीं ट्वेल्व बड़ा है तो इट विल बी माइनस फाइव बाई नाइन फाइन सो अगर हमारे पास दूसरा केस अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है लाइक फाइव बाई ट्वेल्व प्लस थ्री बाई एट सो इसमें क्या करते थे सबसे पहले एल सी एम इट इज टू टू फोर जै एट टू सिक्स जा ट्वेल्व टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स टू वन एंड थ्री वन टू टू जहा फोर फोर टू जै एट एट सो एल सी एम विल भी ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी फोर इसका एल सी एम आया हमारे पास सो so ट्वेल्व को अगर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को ट्वेल्व से हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास टू थ्री मल्टीप्लाईड बाई ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई एट इज़ थ्री सो फाइव टू ज टेन प्लस नाइन बाय ट्वेंटी फ़ोर सो इट विल बी नाइनटीन बाय ट्वेंटी फ़ोर सो किस इन दोनों क्वेश्चंस को हम देखते हैं जितने भी एग्जांपल लिए सो इसमें हमारे पास कम्बिनेशन हो रहा है इंटीजर्स और फ्रैक्शन के रूल्स का अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स प्रॉपर्टीज़ हम जैसे एडिशन अपट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन की पढ़ते ही आए हैं सेम प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट वन इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन चारों के केस को इकट्ठा लेके चलेंगे फाइन अब एडिशन के केस में क्लोजर क्या होता है सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो so आंसर जो हमारा होगा वो रैशनल नंबर होगा लाइक फोर बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री दोनों रैशनल नंबर्स हैं इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सिक्स बाय थ्री सो विच इज ट्रू ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो so जो आंसर हमारे पास आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा लाइक फोर बाय थ्री माइनस टू बाय थ्री सो हम थ्री एल सी एम आ जाएगा फोर माइनस टू सो इट विल बी टू बाय थ्री टू ट्रू टू बाई थ्री भी एक रैशनल नंबर है ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में अगर हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आर रिजल्ट विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर विच इज़ ऑल्सो ट्रू फोर बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू बाई थ्री इज इक्वल टू एट बाई नाइन विच इज़ अ रैशनल नंबर ट्रू बट डिवीजन के केस में इसमें प्रॉब्लम है अगर हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं बट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो हमने पहले ही कहा था क्यू शुड नेवर बी अरो अगर क्यू जीरो हो गया तो उस केस में डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा फाइन सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर हम यू कैन एड द टू रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल ए बाई बी प्लस सी बाई डी ये दो रैशनल नंबर्स हैं इनका जो सम आएगा वो सेम आएगा एज सी बाई डी प्लस ए बाई बी फाइन यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन बाई थ्री को टू बाई थ्री से ऐड करते हैं और ये सेम होगा अगर हम रिवर्स करते हैं इस ऑर्डर को दैट मीन्स टू बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री सो इन दोनों को ऐड करें वन प्लस टू बाई थ्री सो वी विल गेट वन इक्वल टू वन सो विच इज ट्रू बट इस केस में सब्ट्रैक्शन के केस में ए बाई बी माइनस सी बाई डी इज़ नॉट इक्वल टू सी बाई डी माइनस ए बाई बी अगर रिवर्स कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल सिंपली अगर हम एग्जाम्पल लें फोर माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन माइनस फोर फोर माइनस वन क्या होता है थ्री और वन माइनस फोर माइनस थ्री ये हमने सिंपल वाला एग्जाम्पल लिया ऐसे ही आप अगर इसमें ले वन बाय थ्री माइनस टू बाई थ्री इज़ नॉट इक्वल टू टू बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री वो चीज़ नॉट ट्रू लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में भी ये ट्रू होता है सिंपल वाला एग्जाम्पल फोर मल्टीप्लाइड बाई टू इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाय फोर एट आएगा सो मल्टीप्लीकेशन के केस में भी ये चीज़ हमारी ट्रू होती है दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स इफ़ यू रिवर्स द ऑर्डर चेंज द ऑर्डर और एड और मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट विल रिमेन द सेम विच इज नॉट द केस ऑफ डिविजन फाइन सो नेक्स्ट थिंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब एसोसिएटिव जब हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही नॉट ट्रू है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो नहीं होगी अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है अगर हमारे पास टू और मोर नंबर्स हैं दो या दो से ज़्यादा ठीक है उस केस में इन एनी ऑर्डर यू ऐड, द रिजल्ट विल रिमेन द सेम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम टू प्लस थ्री प्लस फाइव अब यहाँ पर हमने यहाँ ब्रैकेट लगाई है कि हम पहले थ्री और फाइव को ऐड करेंगे इज़ इक्ल टू अब हम इसका रिवर्स कर देते हैं ऑर्डर टू प्लस थ्री को पहले लेते हैं ब्रैकेट में प्लस फाइव ठीक है अब यहाँ पे देखो टू थ्री प्लस फाइव क्या होता है एट फाइन सो टू प्लस एट इज़ टेन यहाँ पर हम करते हैं टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव और फाइव प्लस फाइव टेन ट्रू ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन के केस में किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो देखो यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई सिक्स को करते हो आप ऐसे सिक्स फाइव जा थर्टी मल्टीप्लाइड बाई थ्री क्या आएगा हमारे पास नाइन्टी ऐसे ही अगर हम करते हैं थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई सिक्स पहले हम थ्री और फाइव को करते हैं फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स विच इज़ नाइन्टी सो किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो द आंसर विल रिमेन द सेम कोई चेंजेस उसमें नहीं होंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाइक ए बाई बी एक रैशनल नंबर है मल्टीप्लाइड बाय सी बाई डी प्लस ई बाई एफ अब इस बाहर जो हमारे पास रैशनल नंबर है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अंदर यानी कि ए बाई बी जो है वो सी बाई डी के साथ भी होगा और ए बाई बी जो है वो ई बाई एफ के साथ भी होगा फाइन सो so हमने क्या किया इसको लेट्स टेक इट विद एग्जाम्पल वन बाई थ्री मल्टीप्लाईड बाय टू बाई थ्री प्लस फोर बाय थ्री अब हम पहले क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है फोर प्लस टू बाई थ्री सो इट इज सिक्स बाई थ्री सो so आंसर हमारे पास आया टू बाय थ्री सो ऐसे ही यहाँ पर ए बाई बी वन बाय थ्री था सी बाई टी सी बाई डी टू बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री ये देखो ए बाई बी ए बाई बी दोनों जगह लिया है हमने फोर बाय थ्री सो टू वन जा टू थ्री थ्री जा नाइन फोर वन जा फोर थ्री थ्री जा नाइन अब नाइन एलसीएम है टू प्लस फोर इज सिक्स सिक्स बाय नाइन और अगर हम इसको थ्री से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं टू मेक इट इन द रिड्यूसड फॉर्म टू बाय थ्री आता है सो यहाँ भी टू बाई थ्री था हमारे पास यहाँ भी टू बाई थ्री दैट मीन्स ट्रू फाइन सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी द नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो इसमें है आइडेंटिटी आइडेंटिटी मतलब जो चेंज नहीं होती है आपका नाम जो है वो स्कूल में भी सेम है घर पर भी सेम है अब uh, मार्केट में कोई जाके रिलेटिव्स के घर जाके कहीं भी जाते हो योर नेम रिमेन द सेम सो आइडेंटिटी मतलब जो आपकी पहचान है अब एडिशन के केस में आपकी पहचान कब चेंज नहीं होती है जब आप ऐड करते हो ज़ीरो से सो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ज़ीरो ज़ीरो मतलब किसी भी नंबर में वो अगर आप ऐड करते हो तो द नंबर विल रिमेन द सेम फॉर एग्जाम्पल ए बाई बी प्लस जीरो विल बी ए बाई बी फाइन ऐसे ही मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी सो so, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर सेम रहे दैट इज़ वन सो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है वन सो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन फिर है रेसिप्रोकल रिवर्स कर देना उल्टा कर देना वो क्या होता है हमारे पास रेसिप्रोकल जैसे ए बाय बी का रेसिप्रोकल होता है बी बाई ए फॉर एग्जाम्पल वन बाय सेवन है हमारे पास वन बाय सेवन का रेसिप्रोकल क्या होगा सेवन बाय वन और माइनस वन फाइव बाई एट है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा एट बाय माइनस एट बाय फाइव इसमें हमारे पास साइन चेंज नहीं होगा साइन सेम रहेगा सिर्फ जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा